हेलो दोस्तों, मैं रेनू राजपूत आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का, यूट्राइन कैंसर। फर्स्ट मैं आपको जनरली ये बता दूँ कि यूट्राइन कैंसर होता क्या है। जो कैंसर जो नॉर्मली होता है बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है उसे कहते हैं यूट्राइन, उसे कहते हैं कैंसर। तो यूट्राइन कैंसर क्या होता है, जब यूट्रस में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होने लगे उसे हम कहते हैं यूट्राइन कैंसर। तो हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। यूट्रॉन और एंडोमेट्रियल कैंसर रेफर टू मेलेग्नेंट ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यानी कि जो यूट्रॉन कैंसर है या फिर इसको हम एंडोमेट्रियम कैंसर भी कह सकते हैं, रेफर टू मेलेग्नेंट ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो कैंसर होता है ये मेलेग्नेंट ग्रोथ होती है यूट्रस की लाइनिंग में, उसे कहते हैं यूट्रॉन कैंसर। मेलेग्नेंट क्या होता है, यानी कि जो ये कैंसर है मेलेग्नेंट कैंसर, ये वन स्पेस से दूसरे स्पेस तक जा सकता है, यानी कि वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता है, उसे कहते हैं यूट्राइन कैंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। इंक्रीज एज, यानी कि एज इंक्रीज हो रही है उससे हम उस वजह से ये कैंसर हो सकता है। नली पेराइटी, नली पेराइटी यानी कोई वूमेन है उसने एक भी बेबी को बर्थ नहीं दिया है तो उसे हम नली पेराइटी कहते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, कोई फीमेल है वो ओबियस है उसकी वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है हाई फैट इनटेक इन डाइट, जो फीमेल है वो फैट इनटेक करती है डाइट में, ज़्यादा अमाउंट में डाइट में फैट इनटेक करती है उसे कहते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री रही हो कैंसर की तो इस वजह से रह सकता है। लेट मीनोपोज, मीनोपोज जो होता है यानी कि सीजेशन ऑफ मेंसेस जो 55 एज पे हो जाता है तो ये लेट रहा हो इस वजह से हो सकता है। हेरिडिटरी हो सकता है और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्पस कैंसन सिंड्रोम, ये क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एलोंग विद ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर प्रेजेंट होता है मतलब ओबेसिटी और हाइपरटेंशन के साथ। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि कोलोन या फिर रेक्टम में कैंसर रहा हो उस वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस एट अर्ली स्टेज, जो मेंसेस है वो अर्ली एज पे आकर हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी, टेमोक्सिफेन टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि जो हार्मोन थेरेपी है वो ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है अगर उसकी वजह से उसको हम ले रहे हैं तो इसके रिस्क इनक्रीज हो जाते हैं कैंसर के। नेक्स्ट है इनहेरिटेड कोलन कैंसर सिंड्रोम, यानी कि इनहेरिटेड कोलन कैंसर सिंड्रोम हो, कोलन में कैंसर हो तो इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, कार्सिनोसार्कोमा, इट कंटेंस कैंसरस सेल्स ऑफ बोथ ग्लैंडुलर एंड सार्कोमेटस स्ट्रक्चर, यानी कि इट कंटेंस कैंसरस सेल्स, यानी कि इसमें कैंसरस सेल्स होती हैं जो दोनों टाइप से अकर हो सकती हैं, ग्लैंडुलर टिशू में भी और सार्कोमेटस टिशू में भी। और जो ये वाला कैंसर होता है ये बहुत रेयरली पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा, दी ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियल सेल्स में अराइज होता है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है उसमें पाई जाती है। सार्कोमा दी ओरिजिनेट इन नॉन ग्लैंडुलर कैंसर टिशू ऑफ एंडोमेट्रियम, ये नॉन ग्लैंडुलर टिशू होते हैं, कनेक्टिव टिशू होते हैं उसमें आकर होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एबनॉर्मल यूट्रन ब्लीडिंग होगी और ये जो है ये फर्स्ट साइन होता है यूट्रन कैंसर का। नेक्स्ट है बेदाना से ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है एबडोमल डिस्कम्फर्ट रहेगा उसे, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स रहेगा, बेदाना से डिस्चार्ज आएगा। नेक्स्ट है एनीमिया, HV कम हो जाएगा उसका, लिथार्जी फील होगा उसे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, मेंसेस में एबनॉर्मलिटी होंगी, इरेगुलर मेंसेस हो जाएगी, बैक वीकनेस रहेगी उसे और इरिटेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पैप स्मियर करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे।
सीटी स्कैन करेंगे, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, नेक्स्ट MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिनरी टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी करेंगे यानी कि यूट्रस्कोप की हेल्प से हम उसे विजुलाइज करेंगे, एंडोमेट्रियम बायोप्सी करेंगे। एंडोमेट्रियम बायोप्सी में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम टिश्यू होते हैं उसके हम कुछ टिश्यू लेके लेबोरेटरी में भेजते हैं। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल थेरेपी की वजह से भी ट्रीट हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट इसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है जो यूट्रस होता है उसको रिमूव करते हैं एब्डोमिन के थ्रू, यानी कि एब्डोमिन में इंसीजन लगा के यूट्रस को हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फिंजो ओफरेक्टमी, इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ फैलोपियन एंड ओवरी। इसमें क्या होता है, सेल्फिंजो ओफरेक्टमी में ओवरी और जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, इन कीमोथेरेपी केमिकल्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो कीमोथेरेपी होती है उसकी हेल्प से हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्मोन थेरेपी, इन दिस थेरेपी ड्रग आर एडमिनिस्टर टू डिक्रीज हॉर्मोन लेवल्स इन बॉडी। इसमें क्या होता है, इस थेरेपी को हम जब एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे हॉर्मोन लेवल होता है बॉडी में, वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक आयरन रिच डाइट, उससे कहेंगे हम आयरन रिच डाइट ले, वो एडवाइस फॉर बेड रेस्ट, यानी कि वो बेड रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। रिड्यूस एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उससे कहेंगे हम एंजाइटी है उसको रिड्यूस करें और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने ड्रग्स को प्रिस्क्रिप्शन किया है उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।